नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चिमूर सोलापुर में सभा के बाद पुणे में करेंगे रोड शो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। चिमूर सोलापुर में सभा के बाद पुणे में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। इगास पर्व की पीएम मोदी ने दी बधाई। देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, दिल्ली में मुझे भी त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है और तस्वीरें भी साझा करी है। देशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी है। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां ट्रक और कार की हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में हुई 6 लोगों की मौत। ONGC चौराहे के पास हुआ हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। सूचना मिलने पर SPCG भी अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है देहरादून में। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ONGC चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे और सूचना के बाद SPCT भी अस्पताल पहुंचे। अगली खबर का रुख करते हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज। आरक्षण घोटाला मामले में होगी सुनवाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे सुनवाई। ये सुनवाई पहले 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अक्टूबर से चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज आरक्षण घोटाला मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे सुनवाई। सुनवाई पहले 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमरावती, अकोला और नागपुर में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार को धार देंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमरावती, अकोला और नागपुर में करेंगे जनसभा। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्युत विभाग दे रहा बड़े हादसों को न्योता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिक्रमा मार्ग में खुले पड़े हैं ट्रांसफार्मर। विभाग का नहीं है ट्रांसफार्मर की ओर ध्यान। भीड़ के दबाव में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है मथुरा से। ट्रांसफार्मर खुला पड़ा है परिक्रमा मार्ग पर, जहां एक समय पर कई लोग यहां से निकलते हैं परिक्रमा के लिए, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग इस बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर विद्युत विभाग का इस खुले पड़े ट्रांसफार्मर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।